मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग प्यार और साथ मिल रहा है। जेडीयू ने बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोट को लेकर के, उन्होंने कहा है कि कोई एक व्यक्ति आया था और कार्यालय में लिफाफा दे गया था और जो हमने उस लिफाफे को खोला तो 10 करोड़ का बॉन्ड लिया। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी ने जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया, तो सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। समाजवादी पार्टी का सुंदर नारायण सूत्र बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी सीट को लेकर पैक्ट हो गया कि कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्या कहेंगे आप? किसके साथ पैक्ट हो गया? बीजेपी का मैनपुरी की सीट पे प्रत्याशी ना उतारना समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया। मैं क्या बोलूं इस पे, तो मतलब क्या अंदर से ऐसी बात है, ऐसी बात कैसे हो? मैनपुरी सदर विधायक कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा भी है इस जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। क्या अंदाज लगाया? कभी कभी जो अंदर का जो अनुभव होता है वो जुबान पे आ जाता है, तो मैं समझती जो बात नहीं बोलना चाहते थे वो बोल गए। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि राजा की जान होते हुए उसी तरीके से राजा की जान ईवीएम में किस तरीके से देखती है, ईवीएम को लेकर के चिंता जाहिर की है? नहीं, ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है, बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है, तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गाँव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर में गए हैं क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। मैनपुरी में कन्नौज जैसी पुनरावृत्ति तो नहीं होगी निर्विरोध निर्वाचन में? आप फिर कोई सवाल कर रहे हैं वो? नेक्स्ट करो। जी, मैं समझ रही हूँ समय ले रहे हैं कुछ विरोधी पार्टियां, तो कोई जरूर इसमें उनके मन में किसी तरह की शंका होगी, इस वजह से इतना समय लिया जा रहा है। इलेक्ट्रो बोर्ड को लेकर सीबीआई ने डाटा नहीं दिया, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने, मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अगर इसी तरह का इंटरफेरेंस रहेगा तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो लाइन पे आएंगी। जो अभी सब अव्यवस्था दिख रही है हर एक स्टेप में, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का मेयर वाला चुनाव भी हुआ था पंजाब का, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो हमारे जानने वाले बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं उन्होंने कहा था जीते तो हम ही हैं मेयर का चुनाव, तो इस तरह से गलत तरीके से चुनाव जीतना सही बात नहीं है एक लोकतंत्र के लिए।